हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के बच्चों में स्टिमिंग बिहेवियर्स क्यों होते हैं। ये स्टिमिंग बिहेवियर्स यूजुअली अपनी सेंसरी नीड्स को मेंटेन करने के लिए होते हैं। कभी आपने ऐसे किया है? ये सब स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं जो हर पर्सन में होते हैं, लेकिन ऑटिज़म के बच्चों में थोड़ी सी सेंसरी नीड्स हमसे डिफरेंट होती हैं, इसलिए ये स्टिमिंग बिहेवियर्स ज़्यादा दिखते हैं। स्टिमिंग के कॉमनली तीन सबसे बड़े रीज़न होते हैं। फर्स्ट, सेंसरी नीड्स। जो चीज़ या जो सेंसरी स्टिमुलेशन हमारे एनवायरनमेंट से हमें थोड़ा सा अफेक्ट करता है, उन्हें शायद ज़्यादा कर सकता है। जैसे ब्राइट लाइट्स, हम जितना टाइम या हमारी आइज़ जितना टाइम उसे एडजस्ट करने में लेती हैं, इट कुड बी कि उनकी आइज़ ज़्यादा टाइम लें, या उनमें रजिस्टर ही नहीं होती लाइट्स, इसलिए वो ब्राइट लाइट्स या कलरफुल ऑब्जेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपने अपने बच्चों में ये बिहेवियर देखा है कि वो अपने आइज़ के बहुत पास से किसी कलरफुल या रिपीटेडली ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करते हैं, तो वो विजुअल सीकिंग कर रहे हैं। ये स्टिमिंग लग सकता है, लेकिन बेसिकली क्योंकि उनको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा या एनवायरनमेंट की हर एक ऑब्जेक्ट को कंट्रास्ट में समझना नहीं आ रहा, तो वो ब्राइट और कलरफुल ऑब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब एक चाइल्ड एक्साइटेड हो या उनमें एंग्जाइटी हो, जैसे सोशल सेटिंग्स में वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, या वो एक्टिविटी कर रहे थे बैठ के लेकिन उनका फोकस नहीं बन रहा, तो वो इस तरह के बिहेवियर्स दिखा रहे हैं, या फाइनली वो उस एक्टिविटी में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे हमने पहले बात की, स्टिमिंग बिहेवियर्स को कम करने का तरीका ऑब्जेक्ट्स लेना नहीं है, या बार बार बच्चे को ये बोलना नहीं है कि स्टॉप, आपको नहीं करना ये। इंस्टेड अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या उन्हें इमोशनल रेगुलेशन नहीं समझ में आ रहा, या सोशल सेटिंग या किसी भी सेटिंग में उन्हें एंग्जाइटी हो रही है, या वो उस एक्टिविटी को करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे कैसे मॉडिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसे एक्टिविटी दी राइटिंग की, पर आप कंटिन्यूसली ये कंप्लेंट है कि उसे राइटिंग पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे। उसे कलरफुल ऑब्जेक्ट्स पसंद है, तो आप प्लेडो यूज़ कर सकते हैं। लेटर्स आप बनाइए एक पेपर पे और उसे बोलिए कि उससे लेटर्स के ऊपर प्लेडो से अरेंज करें, जिससे उसे लेटर्स का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, और साथ साथ बताए आपने बनाया एल, आपने बनाया आर, तो उसका सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स बढ़ेगा। इसी के साथ साथ उसे फिंगर से उसी हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ट्रेसिंग करा सकते हैं, या एक और तरीका है जिससे फाइन मोटर स्किल्स वर्क हो सकते हैं, यूज़ ऑफ स्पार्कल या सैंड। अल्फाबेट लिख के उसके ऊपर सैंड से पोरिंग करना, जिससे एक तरह की राइटिंग एक्टिविटी, क्योंकि पोरिंग में भी वही ट्राइपॉड ग्रास्प का यूज़ होता है जो राइटिंग में होता है। एक बार वो ये स्टार्ट करेगा, उसके बाद उसे उसके ऊपर कलर करने को बोलिए, एंड देन यू कैन कम टू राइटिंग। वोकल स्टिमिंग में बच्चे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट साउंड्स निकालेंगे डिफरेंट टाइम्स पे। कभी कभी वो साउंड्स कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, या तो सॉन्ग्स की फॉर्म में या हमिंग के फॉर्म में, और आपको लगेगा उसे सॉन्ग्स गाने आते हैं पर वो बात नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीच पूरी तरह डिवेलप्ड है, उसे वर्ड समझ में आ रहे हैं, उन्हें कॉपी करना समझ में आ रहा है, बट उनका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। इसका तरीका क्या है? आपने देखा कि वो राइम्स को देखता है और उसके एक्शंस को कॉपी भी करता है। इसी चीज़ को आप मिरर के सामने लेके जा सकते हैं, जिसमें वो खुद को परसीव करेगा कि वो क्या एक्शन कर रहा है, किस लाइन पे क्या एक्शन हो रहा है, जिसमें आप साथ में खड़े हो सकते हैं एंड साथ में वो राइम चलाइए। स्टिमिंग में एक बहुत बड़ा रोल कम्युनिकेशन का भी है, क्योंकि वो अपनी नीड्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है विजुअल क्यू कार्ड्स। इन विजुअल क्यू कार्ड्स की हेल्प से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं उनकी सबसे कॉमन नीड्स और उनके जो कॉमन इमोशंस हैं, कि वो उस टाइम पे एंग्री हैं, सैड हैं, वरीड हैं या हैप्पी हैं। तो जब वो क्यू कार्ड्स आएंगे, उस क्यू कार्ड के दिखाते ही आप एक एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों साथ में रनिंग करेंगे,
और रनिंग करते करते एक साइड से दूसरी साइड पे जाएंगे, तो आप एक साइड से आइए और आपका चाइल्ड दूसरी साइड से आए। इस तरह से आप एक प्लेफुल रेसिप्रोकल बिहेवियर में एंगेज हो सकते हैं। विजुअल स्टिमिंग को भी काम करने के लिए आप कंट्रास्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डार्कनेस में लाइट या टॉर्च के साथ यूज़ करना। आप चेक कर सकते हैं वीडियो जिसके अंदर किस तरह से लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं विजुअल स्टिमिंग को मैनेज करने के लिए, जिससे लाइट और डार्क का कंट्रास्ट समझ में आता है। इसी तरह से टॉर्च को बुक्स पे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जो आप समझाना चाहते हैं उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स, अल्फाबेट्स, जिससे चाइल्ड का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ओरल स्टिमिंग में इन एडिबल ऑब्जेक्ट्स को, जैसे क्लोथ्स को या हाउस होल्ड आइटम्स को मुंह में डालना या उन्हें च्यू करना, उन्हें लिक करना बहुत कॉमन हो सकता है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को स्मेल करने की हैबिट हो सकती है, हेयर को स्मेल करना, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़ जैसे कुकिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ या एक्टिविटीज़ जैसे क्लीनिंग, जिसके अंदर क्लीन और डर्टी वाटर है, उनकी स्मेल्स में डिफरेंस, या एक्सट्रीम स्मेल्स की जनरली आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। फ्लावर्स को स्मेल करना, बैड स्मेल्स को अवॉइड करना, उन्हें बताना कि बैड स्मेल्स कहाँ कहाँ पर होती हैं। मैं एक पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ पर लिंक कर रही हूँ, जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के सेंसरी बिहेवियर्स और उन्हें कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं आप ऑटिज्म में, उसके बारे में लर्न कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टिमिंग को हटाने की कोशिश नहीं करें, उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करें और आइडेंटिफाई करें कि क्या रीज़न है कि ये स्टिमिंग या रेपिटेटिव बिहेवियर्स हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मेरे पास है, एक बच्चे स्कूल से आते ही अपनी लेग्स को ज़ोर से शेक करने लगती थी, क्योंकि उसे कुछ एंग्जाइटी थी, उसे घर से बाहर रहने की, इमोशनल सपोर्ट ना होने की, क्योंकि उसे हमेशा अपने मदर के साथ रहना अच्छा लगता था। मदर वहाँ नहीं अवेलेबल थी तो उस एंग्जाइटी को काम डाउन करने के लिए वो लेग को शेक करती थी। क्योंकि उसे नहीं रोका गया और साथ में उसको एक कामिंग फिजिट टॉय जैसे पॉपेट दिया गया, उससे वो काम डाउन हो गई और शेकिंग के बजाय आके वो थोड़ी देर पॉपेट से खेल के काम डाउन हो जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि इससे आपको स्टिमिंग और सेंसरी नीड्स और इमोशनल रेगुलेशन इन ऑटिज्म के बारे में समझ में आया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अगर ये इन्फॉर्मेटिव था, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस तरह के वीडियोस के बारे में जानने के लिए, और कमेंट्स में अपने सजेशंस और क्वेरीज को ऐड कीजिए। मुझे आप ईमेल कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए, और हम फिर मिलेंगे। बाय।